हाउ टू रीड एडिटोरियल क्वांटम कैट से करेंगे। तीन पैसेज करने वाले, अरेंजमेंट से स्टार्ट करने वाले, इश्यू एंड प्रोपोर्शन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा आप सबको पता है कि मई स्टार्ट हो चुका है, तो हमारे पास लेस देन 6 मंथ का टाइम है अपने कैट एग्जाम के लिए। तो हमें ज्यादा फोकस होना पड़ेगा, प्रोकेस्टिनेशन कम करनी पड़ेगी। और जो मई मंथ है ना, वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे फाइनल एग्जाम्स भी है इस मंथ में, मेरे एग्जाम्स भी है, और इसलिए अब हमें कॉलेज और कैट को मैनेज अच्छे से करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अपना थोड़ा सा चेंज करा टाइम टेबल में। मैं क्वांट्स और वीआरसी जो डेली करूंगी, क्योंकि वीआरसी में रीडिंग हैबिट होना और प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, और क्वांट्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है इसलिए उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन डीएलआर का सिलेबस थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली, तो अब हम जून से भी अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। बट हम ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, मैं डेली 1 आवर या ऑल्टरनेट डेज पे डीएलआर को करूंगी। तो वो मैं आपको अपने डेली टारगेट्स में दिखाऊंगी कि मैं कैसे कर रही हूँ। सो गाइज, लेट मी शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे एंड व्हाट आर माय टारगेट्स। सो गाइज, माय टारगेट्स आर हियर इन वीआरसी, इन DLR एंड इन क्वांट्स। सो गाइज, अब 2:30 हो चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई VRC। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू एडिटोरियल। इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू रीड एडिटोरियल, सो कमेंट इट डाउन, आई विल मेक वीडियो ऑफ स्पेसिफिकली रीडिंग एडिटोरियल। सो गाइज, दिस इज द एडिटोरियल पार्ट ऑफ द न्यूज पेपर द हिंदू। I have written down important words, idiom, phrases, their antonym, synonym, and also tried to find out the main idea behind the passage. So here is the short clip from my notebook, and this is the way I have written the words and idioms and phrases and everything. Guys, done with editorial. Aeon nahi karna kyunki alternate days pe kar rahi hu main editorial and aeon. Ab main start kar rahi hu word power made easy. So let's do it now. So in this session, we will learn about various professions and what are they called. So in brief, we will learn about various practitioners. So I'm taking down the points of all the names I have learned in this session. And yes guys, जिस वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रही थी, उसको मैंने साइड बार में सर्च कर लिया और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी बोल के देख ली। सो गाइस, डन विद सेकंड टास्क ऑफ वीआरसी। अब बस एक टास्क रह गया है, वो है आरसीज करना। तो मैं आज 3 पैसेज करने वाली हूँ, लेट्स डू इट। सो दीज आर द पैसेज। माई अप्रोच टू डू अ पैसेज इज टू टेक डाउन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम ईच पैराग्राफ। डन विद ऑल द 3 पैसेजेस एंड दे वर वेरी इंटरेस्टिंग। सो गाइज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद DLR। DLR में मैं अरेंजमेंट से स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट करूंगी आज अरेंजमेंट्स का, और फिर धीरे धीरे इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे 3-4 दिनों में, क्योंकि DLR को मैं स्लोली टेकअप कर रही हूँ और जून तक मैं यही रखूंगी अपना टाइम टेबल जब तक मेरे एग्जाम नहीं हो जाते। सो लेट्स डू इट नाउ। सो गाइज, अरेंजमेंट इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर। इसमें आज मैंने इसके बेसिक्स करे हैं, लीनियर अरेंजमेंट्स एंड सर्कुलर अरेंजमेंट्स, and also understood the cases which are possible in linear arrangements and in circular arrangement. So guys, I am done with DLR also. DLR में मैंने arrangements के जो basics थे वो कर लिए, और एक दो question ही practice कर रहे हैं, बाकी question मैं कल practice करूँगी। अब आते हैं quants पे, जिसमें सबसे ज़्यादा time लगने वाला है। तो quants में मैं start कर रही हूँ issue and proportion, एंड इसके मैं अब लेक्चर्स लूँगी, फिर क्लास शीट सॉल्व करूँगी, फिर होम शीट सॉल्व करूँगी। तो आज मैं इसको यहाँ से कंप्लीट करूँगी एंड देन कल हम क्वांटम कैट से करेंगे। सो राइट नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। टाइम फॉर फूड। सो गाइज, आई एम डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब मैं इसकी शीट्स पे आती हूँ। तो अब मैं करूँगी क्लास शीट 1, देन क्लास शीट 2, देन होम शीट 1, देन होम शीट 2। लेट्स डू इट। इसमें टोटल अराउंड 70 क्वेश्चंस हैं, 10 क्लास शीट 1 में, 15 क्लास शीट 2 में, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके, फिर 20 होम शीट 1 में, फिर 25 होम शीट 2 में, ऐसा है। सो गाइज, आई हैव डन क्लास शीट 1, नाउ आई एम डूइंग क्लास शीट 2। सो गाइज, रेशियो में ना कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद करने हैं। इसके कुछ थ्योरीज होती हैं कि ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, तो वो सब याद रखना है जब हमसे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। सो गाइज, आज के सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं। क्लास शीट 1, क्लास शीट 2, होम शीट 1 कर लिया। होम शीट 2 में 25 क्वेश्चंस हैं, वो रह गए हैं क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा कॉलेज का पढ़ना, एग्जाम आने वाले हैं ना, इसलिए वो मैं कल सुबह कर लूंगी या इसके काम के बाद कर लूंगी। तो 25 क्वेश्चंस ही रह रहे हैं, बाकी सारा काम आज का हो गया है। सो यस, वी आर डन फॉर टुडे। Thank you for watching. Have a nice day, Tata.